हे गाइस, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप को कि समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होता है। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसे बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल्स बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जहाँ पर किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं अगर एक जैसी होती हैं, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पर आपको कितनी साइड दिखाई दे रही है, तीन साइड, एक ए और बी। बिकॉज दो साइड एक जैसे क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल का नाम ही है समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए। तो इस क्या बनेगा, 2a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको हमेशा के लिए, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो तो उन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ दो, वो परिमाप बन जाता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ तीन साइड है तो तीनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे बना कैसे देख लीजिए, अगर हम तीनों साइड को ऐड कर दें कितना बन गया, 2a प्लस बी। इसी से आपका ट्रायंगल हो या फिर आपका चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कितनी भुजाएं हो, 6, 7, 8 जितनी भुजा दे रखी हो, सभी को ऐड कर दो, वही आपका परिमाप बन जाता है। तो इस तरीके से हम परिमाप निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इसे अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको एग्जांपल्स में जो ट्रायंगल दिख रहा है वहाँ पर मैंने साइड चेंज कर दी है, यहाँ पर 7, 7 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएँ कर दी हैं। कितनी है, 7, 7, 5। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है कि जो कॉमन भुजाएँ हैं, कौन कौन सी है, ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, वही बी कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2a प्लस बी होता है। तो 2 है, पहले 2 लगाया, ए की वैल्यू कितनी है, 7 रखेंगे, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या की, 7 पुट अप की, बी की वैल्यू 5 पुट अप करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 प्लस 5। इस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। यानी इस तरह ट्रायंगल कुछ भी दिया हो आपको परिमाप निकाल सकते हैं। अगर रूट में देगा तो भी इस तरीके से आपको ऐड करना और कुछ नहीं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने साइड चेंज करके लिख दिया, यहाँ पे है 2√3 और 2√3 और 3√3। यानी कि जो ए साइड है वो 2√3 के फॉर्म पर मैंने लिख दिया है, वही बी को मैंने मान लिया है कि 3√3 सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से मान लिया। तो यहाँ क्या कहता है, इनको जोड़ना है तो 2a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2√3 वो पुट अप की मैंने, फिर प्लस b का मान कितना है, 3√3 वो रख दिया यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, तो 4√3 आ गया, प्लस 3√3 हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 3 7, तो 7√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और चैनल पहली बार आए, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो साथ में क्या करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियोस को, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो जाए। और साथ में बेल आइकन जरूर उसके वीडियो के साथ में, ताकि आपको जो वीडियोस है वो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो खैर, वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।